अगर गले से बांधा होता तो वो अभी तक मर भी जाती, पर टांग कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। तो बंदर ना यहीं से अंदर किचन में घुस जाता है। जो बंदरों का आतंक है ना वो भी बढ़ने लगा है, इसे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो भी पता नहीं किस चीज पे लगा हुआ, क्या कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ से ना नीचे गिरा हुआ था इस वाली जगह पे, और काफी देर से आवाज भी आ रही थी, पर मैं सोच रहा था, मैंने कहा छोटा बच्चा पता नहीं कौन रो रहा है। अभी जाके देखा वो यहाँ नीचे गिरा हुआ है और उसकी टांगें ऊपर लटकी हुई थी क्योंकि वो यहाँ पे बंधा हुआ था। तो ये मारने के लिए आता है, मतलब बहुत खतरनाक है, इसके पास में कोई जाता ही नहीं है। और फिर ये गाय वगैरह के लिए भी, मतलब उनको भी काफी मारने के लिए आता है। तो ये सीन है। बाकी मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आज देखो फिर से अगेन एक मस्त वाली धूप लग चुकी है। आजकल पता नहीं मौसम भी क्या रंग बदल रहा है, कभी धूप लग रही कभी छाव हो रही है। और अभी जस्ट सामने पे जो बकरी वगैरह है ना, काफ़ी टाइम से उसकी आवाज़ आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा ना रो रहा है। और मैं ना इधर नीचे देख रहा था, मैंने कहा पता नहीं ये पता नहीं क्यों रो रहा है सुबह सुबह। और बाद में पता चला कि वो बकरी ना नीचे गिरी हुई थी, उसको ना टांग से बांधा हुआ था। अगर गले से बांधा होता तो वो अभी तक मर भी जाती, पर टांग से बंधी हुई थी तो वो ऐसे ही लटकी हुई थी, तब जाके उसको ऊपर रखा। और वो ना मारने के लिए भी आती है, मारने के लिए भी आती है वो। एक हेडशॉट मारना होगा उसको। हेडशॉट मारना उसको? हाँ, एक तो मारना, एक बार मारना। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी सुबह के लगभग 9 बज चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, मस्त वाली धूप लगी हुई है और चौक पे सारे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और आज घर पे सिर्फ छोटू ही है, बाकी अंशिका गोलू सिवान से ये जा रखे हैं ओकी मठ। और इसने घर पे अकेले इतना तहलका मचा रखा है ना, क्या ही बोलना। बाकी अभी पॉली इधर बंधा हुआ है और धूप भी देखो यहाँ निकल चुकी है। और कल परसों से जो पूरा मौसम था वो कुछ ऐसा हो रहा है आजकल कि एक दिन धूप लग रही, बाकी दो तीन दिन ना पूरी बारिश लग रही है। और बाकी पॉली इधर बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है मस्त करके, पॉली की जगह यही है। बाकी देखो इस वाले खेत में और सामने वाले खेत में ना प्याज वगैरह लगा रखा है, और इस वाले में है लहसुन वगैरह, ये सारा लहसुन वगैरह लगा रखा है। इधर प्याज वगैरह मस्त करके हो रहा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप ना अच्छे से नहीं लग रही है कि ये वाला जो पेड़ है इसकी वजह से ये पूरा ढक चुका है। और बाकी सामने देखो कितने मस्त करके जो प्याज लहसुन वगैरह वो हो रखा है। अब मैं भी ताऊजी और के यहाँ पे आ गया हूँ, बाकी जो थोड़ा बहुत जो काम है यहाँ पे वो भी निपटा देता हूँ, और जो अपना काम है उसको भी कंप्लीट करवा देता हूँ। इस वाले साइड में है चाची औरों की गौशाला, और इधर सामने है जो हमारा जो पानी का टैंक वगैरह है, एक यहाँ पे है और एक ऊपर खेत में बना हुआ है। यहाँ पे ताऊजी और इस वाले साइड में ये जाली वगैरह लगा रहे हैं ताकि जो बंदर वगैरह है वो अंदर ना आए। बंदर वगैरह है या मतलब कुछ भी चीज है ना उसका नुकसान हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे भी जाली वगैरह लगा रहे हैं, तो इसी काम पे लगे हुए हैं। मैं तो आया था यहाँ पे अपने काम करने के लिए, पर देखा यहाँ पे ताऊजी लगे हैं काम पे।
बाकी ये देखो किचन का रास्ता ये हो गया और यहाँ पे भी अब बंद हो गया, नहीं तो बंदर ना यहीं से अंदर किचन में घुस जाता है और कमरे में घुस जाता है। और बाकी इस वाले साइड तो पूरा पैक करा हुआ है कि अब पहाड़ों में भी जो बंदरों का आतंक है ना वो भी बढ़ने लगा है, इसीलिए जो ये इतनी सेफ्टी है वो इसीलिए करी जा रही है। दिन घर पे रहो ना दिन भर ऐसी बुरियत आ जाती है ना कि कुछ पूछो ही मत। आज घर पे भी इतनी बुरियत आ रही है। बाकी छोटू घर पे है और इसने इतना तहलका मचा रखा है ना, कभी ये नीचे जा रहा कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, इसने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ पे आ गया है और वहाँ पे भी पता नहीं किस चीज़ पे लगा हुआ, क्या कर रहा है? इधर आ जा, छोड़ दे वो मिट्टी को। कहाँ जा रखा था पहले ये बता, क्यों क्यों बता दे वो। क्या बताने वो करने करी। इसको दिखाने के लिए गया तू है? ये वाला जो नारंगी का पेड़ है इस पे भी ना अच्छे से नारंगियां लगी हुई हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी नहीं लगी हुई हैं। इस साल तो छोटी सी लगी पर इस बारी ना बहुत ज़्यादा लग गई। पिछली बारी सिर्फ एक लगी हुई थी और इस बारी देखो कितनी सारी लगी हुई है। अब एक को निकाल के देखते हैं कि टेस्टी हो रही नहीं हो रही है। करीब अभी दिन के 1:30 बज गया है और अभी तक हम लोगों का खाना पीना नहीं हुआ है। बाकी मैं अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, अब खाना वगैरह भी खा लेते हैं। अभी ना एक बंदर ने इतना परेशान करके रख दिया है कि जो चौक में जो गेहूँ वगैरह सुखाने के लिए डाले हुए हैं ना वो गेहूँ पूरे वो पता नहीं कब आ रहा और सारे इधर उधर फैला के ना पूरा बर्बाद कर दे रहा है। तो इसलिए हम लोग जो खाना पीना खाएँगे वो यहाँ बरामदे में खाएँगे और बाकी यहाँ पर भी रखवाली होती रहेगी। चलो अभी खाना खाने का टाइम वैसे हो गया है और आज स्वादिष्ट सर राजमा चावल बना हुआ है। राजमा है, चावल है और जो पहाड़ी संतरे हैं ये हैं और बाकी हम तीन ही लोग हैं आज खाना वगैरह खाने के लिए। लगभग 4 बज चुका है और अब जाके मेरी दुकान जाने की तैयारी हो रही है। बाकी अभी चाय वगैरह पीते फिर निकलते हैं दुकान के लिए। यही ये देखो ना पूरे हाथ कलर से ना लाल कर रखे हैं और पूरे रास्ते में इधर के साइड में नीचे तक पूरे कलर वगैरह फैला रखे हैं और ये कलर वगैरह लेके ना नीचे पहुंचा हुआ था वहाँ पे मिस्टी और वहाँ पे रंग वगैरह लगाया और तब जाके ऊपर आया और पूरे रास्ते में कलर ही फैला रखा है। अभी देखो ये वाला जितना भी सामान है ना शादी का वो सामने इस वाले घर पे पहुंचाना है और बाकी अभी यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं और अभी इतना टोटली सामान नीचे उतारना है। गांव से ना धूप भी निकलने वाली है और बाकी कुछ देरी में सनसेट भी हो जाएगा। अभी कुछ देर तक धूप रहेगी उसके बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा। करीब अभी 7:30 हो चुका है और मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।